सर डॉक्टर हो, तो ये जो दिल टूट गया है ये डॉक्टर को पता चलता है एक्सरे, एक्सरे में आ गया कि दिल टूटा है इसका, हार्ट पे कुछ? नहीं देखो, इमोशनल अत्याचार बोल देता हूँ तो इमोशनल अत्याचार का हार्ट के ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। सो ये इमोशनल स्टेट्स जो होते हैं आपके साइकोलॉजी पे, आपके माइंड पे, आपके मूड पे आपके इफेक्ट डाल सकते हैं, जिसके वजह से आप खुद का ख्याल रखना बंद कर सकते हो। और कुछ लोगों की हार्ट रेट बढ़ सकती है, कुछ की कम हो सकती है, बट वो भी एक रेंज के ऊपर नहीं होगी, किसी को उसकी वजह से हार्ट अटैक नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर हम ये माने कि किसी के अंदर ऑलरेडी हार्ट के अंदर 90%, 99% या मान लीजिए अच्छी मेजर ब्लॉकेजेस हैं और उस पे कोई स्ट्रेसफुल न्यूज़ आती है उसको कि क्या ये कैसे हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एकदम किसी से ने छोड़ दिया, हाँ ब्रेकअप हो गया, हाँ कोई भी ऐसी चीज हो गई और उस समय उनकी धड़कन बढ़ जाती है। सो इट एक्ट्स लाइक एन एक्सरसाइज, है कि नहीं? हार्ट अटैक उस समय आ सकता है जब उस हार्ट जो बड़ी मुश्किल से 99% ब्लॉकेज पे संभाल रहा है खुद को, उसके एकदम से डिमांड बढ़ जाती है और उस समय उसको दर्द शुरू हो जाता है। सो दैट इज अ स्टेट वेर वी अंडरस्टैंड कि हाँ, स्ट्रेस के वजह से प्रेसिपिटेटिक ट्रिगर जैसा काम कर सकता है। अच्छा, तो जो लिरिक्स लिखे जा रहे हैं दर्द दिलों के, वो मतलब इट हैज अ इट साइंटिफिक, हैज अ साइंटिफिक बट नॉट डायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है, चलो सही, मतलब इश्क और दिल का उतना भी वास्ता, उतना थोड़ा तो वास्ता है। ठीक है सर, थैंक यू सर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सर, आपने बहुत सारे सवाल थे जिनका आपने क्लैरिफिकेशन दिया और होपफुली सबको और अब आसान हो जाएगा इस पूरे सिनेरियो को थोड़े अच्छे तरीके से समझने। ठीक।